देखिए, कोई भी मुश्किल बात को कहने का सबसे अच्छा तरीका यही है कि बस उसे कह दिया जाए। ओके, हम शॉपिंग पर जाना चाहते हैं और हम चाहते हैं कि अगर आप हमारे साथ चलें तो बहुत अच्छा होगा। कहाँ? शॉपिंग पर। बस इतनी सी बात और आप इतना परेशान हो रही थी। वैसे हम शॉपिंग पर आपके साथ आकर क्या करेंगे? हम हमारी शादी की शॉपिंग के लिए जाना चाहते हैं। हसीना जी, आप अच्छी तरह से जानती हैं कि हमारी शादी केवल एक दिखावा, एक नाटक था मिशन के लिए। तो फिर ये शॉपिंग? हाँ, दरअसल बात यह है कि हमारी अम्मी सच नहीं जानती। उन्हें अब भी लगता है कि हम साथ हैं और एक दूसरे से बहुत जल्द शादी करने वाले हैं। सच बात तो यह है कि हमारी अम्मी एक हार्ट पेशेंट है और डॉक्टर ने हमें साफ साफ कहा है कि उन्हें कोई भी शॉकिंग न्यूज या किसी भी तरीके का सरप्राइज नहीं मिलना चाहिए, वरना उनकी तबीयत और खराब हो सकती है। शायद इसलिए हम उन्हें अभी तक सच नहीं बता पाए हैं। सर प्लीज देखिए, सिर्फ एक दिन की बात है, आप हमारे साथ शॉपिंग चल लीजिए। हमारी अम्मी चाहती है कि शादी में जो शेरवानी पहनते हैं वो हम साथ में खरीदें। वो हमारे साथ शॉपिंग पर आना चाहती हैं। बस एक दिन के लिए नाटक कर लीजिए, फिर हमें जैसे ही अच्छा मौका मिलेगा हम अम्मी को सब कुछ सच सच बता देंगे। देखिए सर, प्लीज मना मत करिएगा, बस एक दिन का सवाल है। आप हम आपके साथ जरूर चलेंगे हसीना जी, आप जहां कहेंगी वहां चलेंगे, आप जैसा कहेंगी वैसा करेंगे और आप जब तक चाहेंगी तब तक हमें नाटक करते रहेंगे। किसी और चीज का तो पता नहीं, लेकिन बस एक चीज हम सबके पास बेशकीमती है, मां। उन्हें कुछ नहीं होना चाहिए। थैंक यू सर, थैंक यू सो मच। उसकी कोई आवश्यकता नहीं, ऐसा करके हमने आपके साथ जो किया है शायद उस पाप का बोझ थोड़ा हल्का हो जाए। बताइए कब चलना है शॉपिंग? हाँ सर, हम आपको एड्रेस भेज देंगे, हम आपसे डायरेक्टली मॉल में ही मिलेंगे अम्मी के साथ। जय हिंद। जय हिंद। पुष्पा जी, मैडम, हमने देखिए इसे पर्सनल लेवल पर ना हाथ जोड़ रहे हैं, प्लीज कुछ भी गड़बड़ मत कीजिएगा, प्लीज। होगा नहीं, लेकिन आप दोनों सास बहू जैसा, आदर्श सास बहू जैसा एक्टिंग करने का कोशिश करना। होगा नहीं, लेकिन कंट्रोल कंट्रोल रखिएगा अपने पे। देखिए हम ना जानते हैं, हम जानते हैं कि अंदर का जो ओरिजिनल सास बहू है सब फट के बाहर आना चाहेगा, लेकिन मैडम हम अपना मन से नहीं बोल रहे, हम तो मैडम सर का ऑर्डर रिपीट कर रहे हैं। इनको समझाइए, समझिए इनको, क्योंकि जो ओवर एक्टिंग का सुनामी आता है ना वो यहाँ से फट के बाहर आता है। हमको मत समझाइए, इनको समझाइए। हमें कुछ मत कहिए, आप अब पहले अपनी गिरबान में झांक के देखिए, फिर हमें फिर हम कैसे हम पूछ रहे हैं ना, पूछ कैसे हैं आप बहन जी, सब बढ़िया? देखिए बहन जी, अगर आप मुझे ये समझाना चाहती हैं कि मैं इस महारानी से समझौता कर लूं और इसे गाड़ी लेने दूं, तो मैं आपको ये कहना चाहती हूं कि आप अपना टाइम वेस्ट कर रही हैं और मैं किसी समझौते के मूड में नहीं हूं। मैं भी कोई समझौते के मूड में नहीं हूं, मुझे नहीं करना समझौता ममझौता। कार तो मैं लेके रहूंगी, चाहे कोई कुछ भी बोले। बाल स्ट्रेट करवा लीजिए, मेरी तरह खूबसूरत दिखेंगी। देखिए बहन जी, आपकी बहू आपसे कितना प्यार करती है। आप इतनी बुजुर्ग हैं। बड़ी नहीं, बड़े तो हम हैं, आप बुजुर्ग हैं। सेम टू सेम। अच्छा ठीक है ठीक है, मतलब आप इतनी बुजुर्ग हैं, फिर भी देखो ये आपसे आपको बाल स्ट्रेट करवाने के लिए कह रही है, कितना प्यार करती है, देखिए बताइए। अरे मेरे नहीं, इनके, आपके दरोगा मैडम के। भूल गए आप,
ब्यूटी पार्लर है इसका। जो भी हो कार तो मैं लेके रहूंगी और मैं पीछे हटने वाली नहीं। पीछे हटने के लिए कौन कह रहा है, हम तो आगे बढ़ने के लिए कह रहे हैं। मतलब तुम एक कदम आगे बढ़ाओ, वो एक कदम आगे बढ़ाएंगी, दोनों एक दूसरे को अच्छे से समझो, समझ लो, समस्या हल हो जाएगी। बिल्कुल ठीक कह रही हैं हमारी सासू मैया। क्या है ना कि थोड़ा आप इन्हें समझिए, थोड़ा ये आपको समझेगी, तभी ये समस्या का हल निकलेगा ना। ऐसे ये जो जनरेशन गैप का प्रॉब्लम चल रहा है ना, ये ऐसे ही सॉल्व होगा। देखा 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 कितनी समझदार है ये। ये नहीं, ये हमारी बहू रानी। हमको तो लगता है पिछले जन्म में हमने जरूर मोती दान किए होंगे, जो ऐसी बहू रानी हमें मिली। समझ में नहीं आ रहा है भगवान से कैसे शुक्रिया अदा करें कि ऐसा पत्थर हमारे झोली में डाल। हीरा हमारी झोली में डाल दिया। इतना प्यार, इतना प्यार, इतना सम्मान, इतना मान देती है ना कि हमसे संभले संभलता नहीं है। हम तो कहते हैं हमारे तो भाग ही फूट गए। जो खुल गए हमारे भाग, खुल गए जो हमें ऐसी बहू रानी मिले, नजर ना लगे किसी की। और ये तो छोड़िए, हमारी बात तो इतनी मानती है, क्या बताएं आपको। अगर हमने कुछ भी कहा ना तो समझो पत्थर की लकीर हो गई। आपको बताते हैं, अभी कल ही ना हमारी बहू रानी ने पूरे 2000 का धूप का चश्मा खरीदा। 2000? हाँ, हमें भी ऐसे ही लगा कितना महंगा है, मगर हमारी बहू रानी ने जैसे ही हमारी ये बात सुनी ना, फौरन चश्मा बदल लेने की ठान ली। हाँ? अभी आपसे बात करने के बाद सीधा वहीं जाएगी वो चश्मा वापस करने के लिए, है ना बहू रानी? हाँ हाँ, अब आपका बात नहीं मानेंगे तो फिर किसका बात मानेंगे। हम जा रहे हैं बस, अभी इसके बाद जाएंगे वापस करने। वो क्या है ना, डॉक्टर को दिखाया था पुष्पा जी को, इनका एनुअल हेल्थ रिपोर्ट, क्या वजन बढ़ रहा है ना। हाँ? उम्र भी हो रहा है आपका, तो क्या है ना इस उम्र में ना हजार तरीके का बीमारी लग जाता है, तो डॉक्टर ने कहा ये तेल मसाला ये जितना भी चटपटा जो ये खाती है ना, ये सब बंद करने को। तो बस ठान लिया हमने कि हमारी सासू मैया को हम कुछ नहीं होने देंगे, इसलिए जो ये गोलगप्पा, चाट पापड़ी, दही बल्ले, छोले भटूरे, ये सब आज से बंद 1 महीने तक। हाँ पुष्पा जी? मजाक भी ना करें हम हमारी लाडली बहू रानी से। मजाक कर रहे थे हम पगली। हम भी एक मिनट बात बताओ, कल रात तक सांप लेवले वाली लड़ाई लड़ने वाली, आज ये दूशक्कर कैसे हो गई? मामला क्या है? नहीं वो हमको समझ में आ गया ना कि हम बहुत गलत हैं, हम अपनी सासू मैया की बात नहीं मानते, बहुत गलत बात है, तो अब ये जो भी कहेंगी हम वो मानेंगे। और क्या ना कि अनुभव भी तो कुछ चीज होता है ना। तो वैसे भी हमको भी समझ में आ गया कि अगर ये एक कदम आगे बढ़ा रही है तो क्यों ना हम भी एक कदम आगे बढ़ाएं। तो हमने भी खुद को इनकी जगह रखा और फिर महसूस किया कि हाँ, मन तो नहीं मान रहा है मगर बहू भी अपनी जगह सही है। ये वही चश्मा है ना जो आपने 2000 में लिया था? हाँ। कहाँ से लिया? ये वो ऑनलाइन हमने ऑर्डर कर दिया था। पर वहाँ पे तो ये 4000 का था। हाँ वो हमको स्पेशल डिस्काउंट मिल गया तो हमने ले लिया। डिस्काउंट पे मिला? पर ये तो बहुत ही लिमिट एडिशन में थे, सबके सब बिक चुके थे, आपको कैसे मिल गया ये 2000 में? हाँ नहीं वो संतु क्या हुआ? संतु कुछ नहीं। नहीं नहीं, पेट दर्द हो रहा है तुम्हारा? पेट क्यों दुख रहा है तुम्हारा? क्या छुपा रहे हो तुम हमसे? चश्मे की बात सुनकर तुम्हारे पेट में दर्द शुरू हो गया, बताओ कितने का है चश्मा? कितने का है चश्मा? उनकी तरफ मत देखो, करिश्मा जी की तरफ मत देखो, हमें बताओ, बताओ। 4000। हे भगवान! पुष्पा जी, पुष्पा, हमने तो पहले ही बोला था 4000 का चश्मा। 4000? आपने हमसे झूठ बोला? नहीं नहीं पुष्पा जी, और भी झूठ बोला है, पिछले हफ्ते जितनी भी शॉपिंग की थी ना सब आपको झूठ ही बोला है।
चश्मे 4000 के थे ना, 2000 बोला, और जो घड़ी है घड़ी भी कुछ 3000 की थी, आपको 1500 बोला, और जो पर्स है वो 3000 का था वो 500 बोला। संतोष जी बस, हे भगवान, इतना झूठ बोला आपने हमसे, हे भगवान, ये सुनने से पहले ये धरती फट क्यों नहीं गई और हम इसमें समा क्यों नहीं गए? नहीं, इसीलिए नहीं, देखिए इनका हाल देखिए, इसीलिए नहीं बताते हम इनको कुछ भी। पहले अगर हम इनको सही रेट बता देते ना तो इनको ऐसे हार्ट अटैक आ जाता, फिर हमें बुलाना पड़ता डॉक्टर को, इनको शॉक देता डॉक्टर आकर। भगवान सब देना, मगर किसी को भी ऐसी बहू मत देना। पुष्पा जी, बस बहन जी, कर लिया अपनी बहू पे भरोसा? अरे ये जो बहुएं है ना, ये भरोसा करने लायक है ही नहीं। सही कह रही है, कोई समझौता नहीं हो सकता। मुझे भी नहीं करना कोई समझौता। आप ना आईब्रो बनवा लीजिए, वरना शाम तक ना जुड़ जाएंगे। चल घर, यहाँ फैसला होने वाला नहीं हमारा। अरे अरे, आप हमें जवाब दीजिए। अरे कपड़ा हो गया फिर से। सर, सब कुछ हो गया है, अम्मी को हमने टैक्सी में भी बिठा दिया है। थैंक यू सो मच, आई एम सॉरी आपको हमारी वजह से ये नाटक करना पड़ा। तो ठीक है फिर सर, आई एम श्योर आपको बहुत से काम होंगे। हाँ वो तो है, लेकिन पहले ये शेरवानी तो वापस कर दें जो आपने आपकी अम्मी को दिखाने के लिए जो लिया है, वरना आपके 10,000 वेस्ट हो जाएंगे। हमने सेल्समैन को भी बुलाया है। लीजिए। जी कहिए। एक मिनट, ये शेरवानी आप वापस ले लीजिए, हमें नहीं चाहिए। वापस करनी है? लेकिन क्यों सर, इतना अच्छा डिस्काउंट तो दिया था आपकी सासू माँ को। बात वो नहीं है, दरअसल इसकी आवश्यकता नहीं है। कैसी बातें कर रहे हैं सर, शादी में शेरवानी की आवश्यकता नहीं? देखिए भाई साहब, हम शादी ही नहीं कर रहे हैं। क्यों, लेकिन अंदर तो बोले कर रहे हैं। अब नहीं कर रहे। तो जब करेंगे तब के लिए रख लीजिए। हमें करनी ही नहीं है शादी, आप समझिए ना बात को। प्रॉब्लम क्या है सर, इतनी अच्छी जोड़ी तो है। देखिए भाई साहब, आपका बहुत बहुत धन्यवाद, लेकिन हमें यह शेरवानी चाहिए ही नहीं। ऐसा मत कीजिए साहब, बड़ी मुश्किल से तो महीने का टारगेट पूरा हुआ है। अगर आप ये शेरवानी वापस कर देंगे तो मेरी नौकरी चली जाएगी। तो क्या आपकी नौकरी रखने के लिए हम जबरदस्ती शादी कर लें? प्लीज सर। अरे भाई साहब, आप समझ नहीं रहे हैं। एक मिनट सर, एक मिनट, आप दीजिए, आप जाइए। थैंक यू मैम, थैंक यू सर। अरे जी हसीना जी, देखिए सर, आप अभी शादी नहीं कर रहे हैं, कभी ना कभी तो करेंगे, तब पहन लीजिएगा। इसे हमारी तरफ से एक छोटा सा गिफ्ट समझिए। हसीना जी, लगता है आप बात अभी तक समझ नहीं पाई है। दरअसल हम शादी करना ही नहीं चाहते। अगर हमें शादी करनी ही होती तो आपसे बेहतर जीवन साथी हमें इस दुनिया में मिलता ही नहीं। हमारा सौभाग्य होता अगर आप हमारी लाइफ पार्टनर होती। देखिए हसीना जी, शादी एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी है, और इस जिम्मेदारी को निभाने के लिए हम अपने फर्ज और देश के प्रति निष्ठा के लिए कमजोर नहीं पड़ना चाहते। आपके और हमारे बीच सिर्फ सिद्धांतों की दीवार है और कुछ नहीं। वैसे अगर फिर भी अगर आप चाहती हैं कि हम ये शेरवानी रख लें तो हम रख लेते हैं, इस वादे के साथ कि जब कभी आपकी शादी होगी तो हम इसे आपको वापस लौटा देंगे। तब तक आपकी अमानत हमारे पास रहेगी। वैसे सास बहू का केस कैसे चल रहा है? थाने का वीडियो काफी तेजी से वायरल हो रहा है, कुछ कीजिए इससे पहले कि कुछ गड़बड़ हो जाए। नहीं सर, केस बहुत अच्छे से चल रहा है। इनफैक्ट एज वी स्पीक आई एम श्योर पुष्पा जी और करिश्मा सिंह इस वायरल वीडियो वाले सास बहू के केस को सुलझा चुके होंगे। आइए हम आपको छोड़ देते हैं। आप ठीक है सर, थैंक यू। आइए आइए बैठिए। थैंक यू।
फिर से सास बहू को समझाने में फेल हो गए। ये केस अभी भी अनसॉल्व्ड है, आप फिर से उनके सामने लड़ लिए। क्या कौन जिम्मेदार है इसके पीछे? मैडम सर, मैंने अपनी जिम्मेदारी निभाई थी, लेकिन हाँ, और हम बखूबी साथ इस बार टोटल पूरा गलती पुष्पा जी का है, हम प्रूफ कर सकते हैं। इनकी गलती थी मैडम सर, हम तो हमारा रोल अच्छे से निभा रहे थे, ओवर एक्टिंग इन्होंने शुरू की। अच्छा, हमें मान सम्मान चाहिए, सम्मान चाहिए, सम्मान चाहिए, हमें इज्जत देनी होगी, देनी होगी, देनी होगी, हमें मान सम्मान चाहिए, सम्मान चाहिए, सम्मान चाहिए, हमें इज्जत देनी होगी। सनी चड्डा, आज खबर तक नहीं पहुंचा तो खबर खुद चलकर तेरे पास आ रही है। सम्मान चाहिए, सम्मान चाहिए, हमें इज्जत देनी होगी, देनी होगी, देनी होगी, हमें मान सम्मान चाहिए, सम्मान चाहिए, सम्मान चाहिए। एक मिनट, शांत 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 हो जाइए, आराम से बताइए क्या प्रॉब्लम है। करिश्मा मैडम, हम अपनी सासों से आपकी तरह सताए हुए, वो जब भी देखो हमें गलती समझती है, सही समझने की कोशिश नहीं करती है। मैडम जी, हमने ना आपका एक वीडियो देखा था जिसमें आप एक बहू की मदद कर रहे थे, हम बस इतना चाहते हैं कि थोड़ा सा ना आप हम लोगों का भी सहयोग कर दीजिए। हाँ मैडम जी, हाँ हाँ। अरे हम सासों को भी ना अकेले मत समझना तुम लोग, जैसे करिश्मा मैडम ना तुम लोगों का साथ दे रही है ना, वैसे हमारा साथ हेड कांस्टेबल पुष्पा सिंह दे रही है। पुष्पा मैडम, हमारी कहानी भी आपके जैसी है। हाँ, आपका भी बढ़ता वजन तो दिख ही रहा है मैडम। अरे बहुओं की बात हो रही है, पुष्पा मैडम हमारी बहुएं भी ना हमें नहीं समझती, अपनी मनमानी करती रहती है, इसलिए हम सासों ने सोचा है कि हम बहुओं को सही रास्ते पे लाएं और इस काम में आप हमारी मदद करेगी। सही रास्ते पे आने की जरूरत आपको है माता जी। सुनो सुनो, सुधरने की जरूरत हमें नहीं है, तुम बहुओं को है, लेकिन उसके लिए भी ना दिमाग चाहिए जो तुम लोगों के पास बिल्कुल नहीं है। नहीं है, नहीं है, तुम लोगों में नहीं है। वैसे अक्ल की जरूरत ना आप सारी औरतों को है, समझी माँ जी। अरे वाह, देखो आई बड़ी अक्ल वाली, अरे पूरी जिंदगी बीत गई हमारी, ऐसे ही सफेद नहीं हुए हमारे बाल। अरे मेहंदी लगाना बंद करो तो पता चले ना कि बाल सफेद है या नहीं। देखिए आप लोग प्लीज शांत हो जाइए, ये कोई तरीका है एक दूसरे से। अरे 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 अरे, फिर से नया पंगा। हसीना जी, हमें लग रहा है इस थाने में ना कोनो दोष है। एक काम करिए, कोनो पंडित वंडित देखिए, कुछ पूजा वूजा करवाइए, सबसे पहला ही दोष दूर करवाइए। कहा कि एक टंटा खत्म नहीं होता कि दूसरा शुरू हो जाता है। अरे इतना मामूली सा सास बहू का केस आपसे हैंडल नहीं हो रहा, और सपने देख रहे हैं आप वो कॉम्पिटिशन का अवार्ड जीतने का। बहुत बुरा हुआ हसीना जी, मतलब सास बहू के बीच में आपने जंग छेड़ दिया। अरे बिस खोपड़ा के घर में खुद सास बहू का बर्तन बज रहा है, इसीलिए तो खखवाया हुआ घूम रहा है। हमारा मतलब है सर कि कितना गलत कर रहे हैं ये लोग, बताइए, बताना जरूरी है ना सर, बताइए आप। देखिए हसीना जी, हमारी जानकारी के हिसाब से ये महिला पुलिस थाना जो है महिलाओं की समस्याओं को सुलझाने के लिए बना है, लेकिन यहाँ तो उल्टा है, आप समस्याओं को दूर नहीं कर रहे बल्कि समस्याओं को बढ़ा रहे। इस हिसाब से तो ये महिला पुलिस थाने को तो बंद हो जाना चाहिए। अरे हम तो खुद आपका थाने के खिलाफ 100 कंप्लेंट करने का सोच रहे हैं। आप जैसे आए हैं ना वैसे ठंडे ठंडे यहां से वापस चले जाइए, जो हमारा दिमाग अगर तिलमिला गया ना तो रिपोर्ट्स में ना सबसे बड़ा बड़ा अक्षर में अंडरलाइन होके लिखा होगा कि दरोगा जी देखे तो बहुत, तुमसा ना देखा। हाँ। धमकी? देखो हमको धमकी दे रहा है। अरे देना है तो जूते दीजिए, घूसो दीजिए, थप्पड़ दीजिए, लपड़ दीजिए। अब सर, अब आपका खड़े खड़े बेइज्जती हो रहा है सर, और हम खड़े खड़े देख रहे हैं सर, अब बर्दाश्त के बाहर हो गया ना, अब कलेजा फट जाएगा सर। देखिए ये धमकी का अंजाम जानती हैं आप? अरे वर्दी छीन जाएगा आपका, और ये पुलिस थाना को और आपको दोनों को ताला लग जाएगा कई सालों तक। अच्छा, आपको सच में लगता है कि ये सास बहू के झगड़े महिला पुलिस थाने की वजह से हो? और नहीं तो क्या। ठीक है ठीक है बुलबुल पांडे, तो फिर ये जो कुछ भी हुआ है उसकी पूरी जिम्मेदारी हम लेते हैं। ये सब हमने किया है, ठीक है, और अब जब इसकी जिम्मेदारी हमने ली है तो इसे ठीक करने की जिम्मेदारी भी हमारी होगी, आप कुछ नहीं बोलेंगे। तो अब क्या करेंगी आप? नहीं नहीं, घर घर जाकर मतलब सास बहू के कान में जाके प्रवचन देंगी?
या फिर सास बहू पे कोनो सीरियल बनाएंगी आप? अरे मैडम, पहला अपना पुलिस थाना पे ध्यान दीजिए, बाद में बाहर का सुध लीजिए। अरे खुद का थाने का सास बहू संभलता नहीं आपसे, और दुनिया सुधारने चली आप ना। मतलब बदले में आपको डायलॉग मारने का मन कर रहा होगा, लेकिन संभल के हैं, ऑन कैमरा हैं आप, सारा शहर देख रहा है आपको, वो भी लाइव। ये तो और भी अच्छी बात है, अब जो होगा ऑन रिकॉर्ड होगा। सनी। मैडम सर। हम हैं हसीना मलिक, SHO महिला पुलिस थाना जनपद लखनऊ, और हम आप सबको ये वादा करते हैं कि अगले 24 घंटों के अंदर अंदर सास और बहू के बीच चलती आई सालों की जंग, कौन सही कौन गलत है, इसे हमेशा हमेशा के लिए खत्म कर देंगे। और साथ साथ हमारा लखनऊ शहर, जिस अमन और चैन के लिए फेमस है, उसे वापस भी लेकर आएंगे। और इस सब के गवाह होंगे आप, क्योंकि ये होगा आप सबके सामने इसी महिला पुलिस थाने में डायरेक्ट लाइव। बहुत बड़ा बोल बोल दी। अब तो बोल दिया पांडे जी, अब जो होगा देखा जाएगा। तजुर्बा कहता है हमारा कि सही काम करने में सोचना नहीं चाहिए, और अगर सोच लिया तो पलटना नहीं चाहिए। इसलिए अब जो बोल दिया है वो करके दिखाएंगे। सोच लीजिए, ना अगर वादा पूरा ना हुआ ना तो बहुत ही फजीहत हो जाएगा आप लोगों का, और साथ में इस थाने का भी। अरे बेस्ट थाना प्रतियोगिता में भाग लेना तो दूर, ये थाना भी छोड़ना पड़ सकता है आपको। ऐसा तो हम होने नहीं देंगे बुलबुल पांडे। अब ये महिला पुलिस थाना बता कर नहीं, दिखा कर केस सॉल्व करेगा। कल इसी वक्त इसी चैनल पर यहीं महिला पुलिस थाने से लाइव। For more updates, subscribe to our channel, click the show links and enjoy watching the videos.